बहुत जोर से बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वो लड़का उसको देखकर डर जाता है और वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। वो लड़का उसको देखकर वापस भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसको बेहोश कर देती है। दोस्तों, आप लोग जो अभी कार्टून वीडियो क्लिप देखे हैं, दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोस्तों आप लोग को महज 10 से 15 मिनट लगेगा इस तरह का वीडियो क्रिएट करने में। दोस्तों मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब में जाता हूँ। यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे एक चैनल है दोस्तों, इस चैनल का जो नाम है ना, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम टून नाम है। और दोस्तों ये चैनल ना भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 230 वीडियो इन्होंने अपलोड किया है और इनके जो सब्सक्राइबर है भाई 6,38,000 सब्सक्राइबर हैं। और इनके मैं व्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, 31 मिनट में भाई 4,000 साढ़े 4,000 व्यूज आए 31 मिनट में, सिर्फ ओनली आधे घंटे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 दिन में 3,07,000, 5 दिन में 3,07,000, 8 दिन में 8,75,000, 3,11,000, 4,96,000। और दोस्तों मैं पॉपुलर वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 महीने में 12 मिलियन, 10 महीने में 6 मिलियन, 6 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, भाई मिलियन में व्यूज जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि कार्टून वीडियो जो होता है ना, उस पर दबा कर व्यूज मिलता है दोस्तों। और इनकी जो महीने की अर्निंग, मैं आप लोग को अर्निंग लाइव प्रूफ के साथ अर्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इनके चैनल को पहले कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सोशल ब्लेड का जाता हूँ। सोशल ब्लेड पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इनके चैनल का जो मतलब कॉपी था, लिंक था, उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे अब इसको मैं सर्च कर देता हूँ, आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ इनके महीने की भाई कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं $6,000 से लेकर $96,000 तक, डॉलर भाई, रुपीज नहीं, इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर की बात कर रहा हूँ। $6,000 से लेकर $96,000 तक इनकी एक महीने की अर्निंग है भाई। उसके बीच में जितना मर्जी कमा लो, मतलब 6,000 से नीचे नहीं कमाते हैं, $6,000 से ऊपर ही कमाते हैं और $96,000 से के अंदर भाई, इतनी ज़्यादा इनकी अर्निंग है। आप लोग को जो वीडियो क्रिएट करना है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर इस तरह आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना होंगे क्रोमा एप्लीकेशन से। सिर्फ जब आप लोग वीडियो क्रिएट सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन दिखाएगा, इसको आप लोग अगर इसको डाउनलोड डिटेल में समझ जाएंगे, डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ओपन कार्टून वीडियो बनता है, जब आप लोग करेंगे कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, ऐड करने के लिए आप लोग देता है इस ऐप में। बाहर से आप लोग कैरेक्टर या कोई स्क्रिप्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसमें भी बहुत सारे क्रिएटर कैरेक्टर्स भरे हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं अभी तो फिलहाल हमारे पास 4 कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ सेटिंग के ऊपर एक कैरेक्टर का लोगो बना हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और ये जो कैरेक्टर्स 1, 2, 3, 4 हैं, इसमें आप लोग को इस पर क्लिक करना है, नन कर देना है, इसको भी क्लिक करना है, नन कर देना है, इसको भी क्लिक करना है, नन कर देना है, और इसको भी क्लिक करके नन कर देना है। इतना करने के बाद ओके कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा ये सिर्फ बैकग्राउंड है, कैरेक्टर हमारे गायब हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं अदरवाइज कोई बैकग्राउंड चॉइस करना, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जाएंगे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड है। और अगर आप लोग बाहर से कोई बैकग्राउंड इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपोर्ट बैकग्राउंड, इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके फाइल में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेना है। तो मुझे तो फिलहाल यही बैकग्राउंड चाहिए, तो इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया हूँ। अब आप लोग को यहाँ कैरेक्टर चॉइस करना है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर चॉइस कर लेता हूँ, जिस तरह का मैं वीडियो क्लिप दिखाया था उसी तरह का मैं यहाँ पे क्रिएट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कैरेक्टर 1,
इस पे आप लोगों को क्लिक करना, और यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से कैरेक्टर यहाँ मिल जाएंगे, पुलिसमैन। यहाँ पे भी आप बाहर से देख सकते हैं लिखा हुआ इंपोर्ट कस्टम, यहाँ से भी आप लोग जब क्लिक करेंगे तो बाहर से भी कैरेक्टर ऐड कर पाएंगे इसमें, कोई भी कार्टून चाहे भीम हो चाहे शक्तिमान हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं लिल बॉय लिखा हुआ, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने बाद यहाँ पे मैं सेकंड कैरेक्टर भी चॉइस करूँगा, लेकिन वो आगे चल के चॉइस करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को ये क्रिएट करना है ना, वीडियो में क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको एडिट भी करना है, इसी की वजह से सबसे पहले मैं आप लोग को आगे चल के बता दूंगा कि आखिर मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो लड़का है इसके सिर पे ही प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे कार्नर पे देख सकते हैं फ्लिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, इस पर टिक लग जाएगा, जब करेंगे आप लोग तो टिक लग जाएगा। और उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला आइडल लिखा हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और नीचे थोड़ा सा रनिंग इसको कराना है मुझे, तो रनिंग के लिए यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग चाहते हैं रनिंग कराना या लिटाना या चाकू मारना या एक्शन करना, कोई भी आप लोग चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा होगा, जो भी आपका स्क्रिप्ट में मतलब एक्शन होगा वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 6 तक दिया है मूव का ऑप्शन, 6 मूव का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे तो भाई इसको रनिंग कराना है, ठीक है, यहाँ पे मैं रनिंग करा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, और जैसे बहुत बारीकी से यहाँ पे देखना पड़ता है, आप लोग को भी देखना पड़ेगा इसी तरह से। यहाँ पे नीचे अभी आऊँगा, यहाँ नीचे आऊँगा, नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रनिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारा रनिंग कर रहा है, यहाँ पे ओके कर दूंगा। करने बाद फिर दोबारा प्लस वाले पे जाऊंगा। अभी ये जो कैरेक्टर मेरा जो लड़का है ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो इसको यहाँ पे नीचे छोटा कर दूंगा, यहाँ से इसको छोटा कर दूंगा, इतना कर दूंगा। करने बाद ओके कर दूंगा और इसको मूव करके यहाँ पर नीचे यहाँ ला दूंगा, ठीक है, यहाँ ला दूंगा। अब भाई यहाँ पर मुझे एक रेंज चाहिए, जैसे कि जो बैकग्राउंड उसमें बारिश हो, तो उसके लिए सिंपली से आप लोगों को करना क्या, यहाँ देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल इफेक्ट लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे भाई रेन करा सकते हैं, शेडो करा सकते हैं, वाटर ब्लू करा, मतलब जो भी आप लोग चाहते हैं यहाँ से करा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे सीधा रेन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बारिश, हमारा जो बैकग्राउंड में बारिश होना स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग को इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली देख सकते हैं आर ई सी का ऑप्शन आप लोग को ऊपर कार्नर पे दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ये हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग को करना क्या है, जो भी आपके स्क्रिप्ट में, जैसे कि जो लड़का पहले स्टार्टिंग में चल रहा था तभी चुड़ैल आई थी, उसी तरह से मैं यहाँ पे मूव कराता हूँ। नीचे यहाँ पे पकड़ूंगा, यहाँ पे इस तरह से हल्का हल्का स्लोली यहाँ पे इतना पे मूव करा देता हूँ, इतना पे मैं कर देता हूँ। अब इतना करने बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ क्रोमा टून्स, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने बाद ये आपका जो गैलरी में है, ये देख सकते हैं वीडियो सेव सक्सेसफुली ऐड लिख दिया है, इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब आपका सेव हो जाएगा जो वीडियो आप लोग रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद आप लोग को कैंसिल करना है, ओके कर देना है। अब आप लोग को सेकेंड स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि जो चुड़ैल आई थी उसका स्क्रिप्ट चाहिए, तो यहाँ पे फिर दोबारा कैरेक्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई भी आप 1, 2 कुछ भी पे आप लोग लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा, यहाँ पे चुड़ैल देखता हूँ, चुड़ैल कहाँ पे हमारी, यहाँ पे हमारी चुड़ैल आ चुकी है, ओके कर दूंगा। करने के बाद इसको बैक लाऊंगा, यहाँ पे बैक लाऊंगा, ठीक है, इतना पे ला देता हूँ। लाने के बाद इसको भी अब रनिंग कराना है, तो सिंपली से थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, प्लस वाले पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद इसको भी मैं रनिंग पे डाल देता हूँ, यहाँ पे रन, ठीक है, यहाँ पे रन कर देता हूँ, इसको भी मतलब चला देता हूँ थोड़ा सा। चलाने के बाद अब आप लोग को करना क्या है, फिर दोबारा आपको REC पे रिकॉर्ड करना है, इस पर आप लोग क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, इतना पे हल्का हल्का स्लोली यहाँ पे स्लोली आना है, स्लोली आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रोक देना है, रोकने के बाद आप लोग को फिर दोबारा क्रोमा टूल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये भी हमारा जो गैलरी में सेव हो चुका है, अब कैंसिल करना है, ओके कर देना है। अब लड़के वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करने बाद इसको इस पर क्लिक करना और आइडल कर देना, मतलब आइडल जब आप लोग करेंगे तो नॉर्मल की तरह खड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आप लोग को रिकॉर्ड करना, इसी तरह से आप लोग को रिकॉर्ड करते रहना दोस्तों। यहाँ पे हमारा इतना रिकॉर्ड हो चुका है, ये रिकॉर्ड हो चुका है, अब इस पर क्लिक करना है, ये भी हमारा सेव हो गया, बैक आना फिर ओके आना। अब थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैं बताता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, और यहाँ जो फ्लिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा था आप लोग को, इस पर क्लिक कर देना है, इसका जो मुँह है वो इस तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आइडल पर क्लिक करना और रनिंग पे इसको डाल देना है, इसको रनिंग पे डाल देना है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे रनिंग पे डाल, ओके कर देना है। अब आप लोग को फिर दोबारा रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा चला देता हूँ, हल्का सा इतना चला देता हूँ। चलाने के बाद ये भी हमारा स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। अब इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ क्रोमा टूल्स, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये भी आप लोग का सेव हो जाएगा। अब फिर दोबारा कैंसिल पे क्लिक करना, ओके करना है, और फिर दोबारा लड़के पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, नीचे सबसे पहले यहाँ पे जो चलाए थे आप लोग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको लेटा देना है। लेटाने के बाद इसको ओके कर देना है। करने के बाद आर ई सी पे क्लिक करना है, उसका नाउ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना। अब इसको रिकॉर्ड करना है, इसको भी रिकॉर्ड करना है। देख सकते हैं आप लोग रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब इतना कर देने के बाद फिर दोबारा आप लोगों को क्रोमा टूल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये भी हमारा जो स्क्रिप्ट था ये भी रेडी हो चुका है, ये भी सेव हो चुका है। अब आप लोग को कैंसिल कर देना है, कैंसिल करना है, ओके कर देना है। ये हमारा जो पूरा स्क्रिप्ट था वो रेडी हो चुका है। अभी आप लोग को एडिट करने का भी मैं तरीका बता दूंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को अगर बैकग्राउंड चॉइस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। आप लोग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ओके कर देना है, फिर आपका जो बैकग्राउंड था वो आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को अगर रैन कराना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रैन होगा, नन कर देंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फाइल कर देंगे। यहाँ पे बहुत से ऐसे दिए गए हैं, आप लोग अगर एक दिन, सिर्फ महज एक दिन में एक घंटा या आधा घंटा अगर इस पे टाइम व्यर्थ कर देंगे सिर्फ एक बारी, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे। क्योंकि कोई भी कितना भी समझाएगा आप लोग बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते, लेकिन अगर आप लोग खुद से अगर इसको समझेंगे, थोड़ा बहुत तरीका पता कर लीजिए, उसके बाद बैठिए आराम से इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। स्क्रिप्ट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं अभी कहीं स्क्रिप्ट लाया नहीं हूँ, मैं खुद से स्क्रिप्ट बनाया था जो आप लोग वीडियो क्लिप देखे हैं, तो इसको ओके कर देना है। अभी देख सकते हैं हमारा सब चीज़ यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे ओले गिरने लगे भाई, यहाँ पे ओले भी गिरने लगे। तो इसमें बहुत सेटिंग दिया गया है। अब आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो इसको कट कर देना है। कट करने के बाद मैं आप लोग को इसको वीडियो को क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कट कर देता हूँ। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को रेशियो जो चॉइस करना है वो 16:9 का रेशियो चॉइस कर लेना है, जो फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो रेशियो होता है ये लॉन्ग वीडियो का रेशियो होता है। उसके बाद आप लोग को नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली से आप लोग को क्रिएट कर दे। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली से आप लोग को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्रोमा टूल्स रिकॉर्ड जो आप लोग किए थे और जो उसको कट किए थे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिंपली से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं बारी बारी सभी वीडियो इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। मीडिया पे जाता हूँ, फिर दोबारा मैं दूसरा क्लिप ऐड कर लेता हूँ, फिर मीडिया पे जाऊँगा तीसरा क्लिप ऐड कर लूँगा, फिर मीडिया पे जाऊँगा, मेरा 5 क्लिप था तो सभी क्लिप यहाँ पे बारी बारी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर दोबारा इसी तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने बाद इसको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले तो वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद मिक्सर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, इसको अनेबल कर देना है, इसको जीरो कर देना है, जो आपका साउंड है उसको म्यूट करना है। तो सभी वीडियो इसी तरह से म्यूट करना है, इसको भी मैं म्यूट कर देता हूँ इसी तरह से। फिर वीडियो पे जाऊँगा, मिक्सर पे जाऊँगा, अनेबल कर दूंगा, म्यूट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मिक्सर जीरो कर देना है। करने बाद फिर इस पर क्लिक करूँगा, मिक्सर पे जाऊँगा, जीरो कर दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा, मिक्सर पे जाऊँगा, जीरो कर दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारा साउंड था वो म्यूट हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप लोग को वॉइस ओवर करना है। सबसे पहले वॉइस ओवर करेंगे तभी आपको पता चलेगा हमारा वीडियो किस तरह से क्रिएट हो रहा है और उसी तरह से आप लोग एडिट कर पाएंगे। तो वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आर ई सी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जब आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। बहुत जोर से बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने घर जा रहा था, इतना बोल देना, उसका स्टॉप कर देना। इसको करने बाद यहाँ पे देखिए, जहाँ से आपका जो सीधा लाइनिंग है वहाँ पे आप किसी साउंड वास्ते क्लियर नहीं हुआ है तो वहीं पे आप रोक देना। रोकने बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है और कैंची का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ट्रिम लेफ्ट कर देना है। करने बाद उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट पे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वॉइस ओवर खत्म हो रहा है। जहाँ पे सीधी लाइनिंग होती है ना वहाँ पे वॉइस मतलब साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, तो समझ लीजिए आपका साउंड खत्म हो गया सीधी सी भाषा। तो इस पर फिर दोबारा आप लोग को क्लिक करना है और उसके नीचे स्क्रॉल करके जाना है, कैंची पे जाना है, ट्रिम राइट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट के एंड पे यहाँ पे मिला देना इस तरह से, और जितना हमारा रिकॉर्ड है इतना आप लोग को रखना है, बाकी पार्ट कट कर देना है। इसको फिर दोबारा जब कट करेंगे तो यहाँ पे मिला देंगे। अब आप लोग को मैं चला कर यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है।
अब आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो पे फिर दोबारा क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है और पेन एंड जूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, इक्वल पे क्लिक करना और इसको इस तरह से पकड़ के इसको कुछ बड़ा कर लेना है, इस तरह से बड़ा कर लेना है आप लोग को, इतना बड़ा कर लेना है, उसके बाद बैक कर देना। ये हमारा जो फर्स्ट स्क्रिप्ट था वो तैयार हो। दूसरे क्लिप को भी मैं रिकॉर्ड करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे REC पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहाँ स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करते ही आप लोग का रिकॉर्ड होने लगा। मैं क्लिक करके यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं बता देता हूँ। तभी एक चुड़ैल आ जाती है, यहाँ पे हो गया, स्टॉप कर दिया हूँ। करने बाद यहाँ पे फिर इसको बैक करूँगा और उसके बाद इसको कैंची पे जाऊँगा, ट्रिम लेफ्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ और फिर दोबारा वीडियो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लाऊँगा लास्ट में और इसको मैं यहाँ पे वीडियो पे कैंची पे जाता हूँ, ट्रिम राइट कर देता हूँ। उसी तरह से इसको भी कट करना है जिस तरह से आप लोग फर्स्ट वाला क्लिप यहाँ पे कट किए थे। अब मैं दूसरा क्लिप भी मैं सुना देता हूँ आप लोग को। आता तभी एक चुड़ैल आ जाती है, यहाँ पे फिर दोबारा वीडियो पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है, पेन एंड जूम पे क्लिक करना है और इसकी इक्वल पे जाना है और इसको भी इसी तरह से जूम कर लेना है भाई, इसी तरह से इसको जूम कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से जूम कर लेना है। अब ये हमारा वीडियो, ये भी दूसरा क्लिप था, ये भी तैयार हो चुका। इसी तरह से आप लोग को जितना भी क्लिप है, जैसे दो क्लिप, चार क्लिप, जितना भी आप लोग क्लिप ऐड किए हैं सभी क्लिप पे वॉइस ओवर कर लेना है। मैं फटाफट वॉइस ओवर कर लेता हूँ। वॉइस ओवर मेरा पूरा हो चुका है और आप लोग को यहाँ देख सकते हैं, मैं प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जोर से बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। लड़का चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वापस जाने लगता है, तभी वो चुड़ैल उस लड़के को बेहोश कर देती है। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हमारा वॉइस ओवर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को करना क्या है, तो जिस तरह की इस वीडियो को पेन एंड जूम किए हैं उसी तरह से सभी वीडियो को यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है और पेन एंड जूम पे जाना, इक्वल कर देना, इसको इस तरह से बड़ा कर लेना, इस तरह से बड़ा कर लेना, ठीक है। इतना पे बड़ा करके इसको इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है पूरे फ्रेम में हटने के लिए। फिर दोबारा बैक जाना, फिर इस वाले वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, पेन एंड जूम पे जाना है, इक्वल करना है, ये भी हमारा इक्वल हो चुका था। उसके बाद फिर दोबारा बैक आना है, फिर दोबारा इस वीडियो पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करके जाना है, पेन एंड जूम पे क्लिक करना है, इक्वल पे जाना है और इसी तरह से आप लोग को सभी वीडियो को यहाँ पे जूम कर लेना है। फिर इस पर भी क्लिक करना है, पेन एंड जूम पे जाना है, इक्वल कर देना है और इसी तरह से आप लोग को वीडियो पे इसको मूव कर दे, मतलब जूम कर देना है, ठीक है। अब बैक आ जाना है। अब दोस्तों आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे बारिश का मतलब जो रेन का साउंड होता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग को, बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले आप लोग YouTube पे जाइएगा, वहाँ पे जो भी आप लोग स्क्रिप्ट लिखे होंगे उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे सर्च करिएगा बैकग्राउंड म्यूजिक, आगे लिख दीजिएगा, उसका लिखिएगा बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके नो कॉपीराइट डाउनलोड कर लीजिएगा। करने बाद आप लोग को करना क्या है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पे आईडी वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउनलोड किया था, यहाँ पे पानी वेल्स लिख देता हूँ, मैं पुरानी रैन वाला यहाँ पे है, इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा कहाँ पे मेरा सूट करता है। बहुत जोर से बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने यहाँ पे देख सकते हैं, इतना हमारा कंप्लीट है, ये तो एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। इस पर क्लिक करना है और कैंची पे जाना, फालतू का पार्ट कट कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चुड़ैल का जहाँ सीन आएगा, भी उसके सामने एक चुड़ैल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे रोक देना चुड़ैल, इतना बोला हूँ उसके बाद रोक देना। तो फिर आप लोग को आईडियो पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, एक पुरानी हवेली या तो फनी भूत यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ मैं, इस पे क्लिक करूंगा, ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको भी प्ले करके सुना देता हूँ। सामने एक चुड़ैल आ जाती है, लड़का चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वापस जाने लगता है, तभी वो चुड़ैल उस लड़के को बेहोश कर देती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वीडियो का एंड था यहीं पे रोक देना है, रोकने के बाद यहाँ पे कैंची पे जाना है, ट्रिम राइट कर देना है, ये फालतू का पार्ट कट हो जाएगा। और करना क्या आप लोग को, सबसे पहले तो आप लोग को जो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है इसका वॉइस ओवर जो है इसका साउंड है इसको थोड़ा सा कम करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, मिक्सर पर जाएंगे और इसको करीब आप लोग 50 के अराउंड रख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो साउंड है उसको क्लियर आना चाहिए, जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो इफेक्ट के थ्रू आता है। इतना कर देना, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना और इसको भी 50 के अराउंड रख लेना, ठीक है, इतना कर देना। अब आप लोगों को मैं प्ले करके फिर दोबारा सुना देता हूँ। बारिश हो रही थी और एक लड़का अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट पूरा क्रिएट हो चुका है।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग को इसी तरह से आप लोग को क्रिएट करना है जिस तरह से मैं बताया हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको इसको सेव कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप लोग रेजुलेशन चॉइस करना चाहते हैं तो 1080 पे ही रखिएगा। फ्रेम रेट जो है वो 50 या 60 पे आप लोग रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे मैं 60 पे ही डाउनलोड मतलब रखता हूँ, यहाँ पे 60 पे ही फ्रेम रेट 1080 पे ही करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे ये आपका वीडियो सेव हो जाएगा।